हम यहाँ डोनेस्क में एक फीनिक्स टेलीकॉम कंपनी के स्टोर के बाहर खड़े हैं, और अगर आप ये लंबी कतार देखें इससे आपको पता चलता है कि कितनी मुसीबतें हैं यहाँ पे कनेक्टिविटी को लेकर। सत्य और मैं जब यहाँ डोनेस्क आए थे हमें 2 दिन तक सिम कार्ड नहीं मिले थे, और हम यही बता रहे हैं कि ये सिम कार्ड डोनेस्क की अथॉरिटीज ने जितने भी सिम कार्ड थे उनको जो लिबरेटेड एरियाज है यानी कि जो नए एरियाज रशिया और DPR डोनेस्क के अथॉरिटीज के अंडर आ रहा है वहां पे भेज दिया जा रहा है ताकि वो इस सिटी से कनेक्टेड रहे ना कि यूक्रेन से, और इसी वजह से यहाँ पे सिम कार्ड्स की कमी थी। अब खबर आई कि नए बैच ऑफ सिम कार्ड आए हैं, तो इसलिए देखिए कितना लंबा कितनी लंबी कतार है। 2 घंटे से यहाँ पे हेलन से हम बात कर रहे थे, 2 घंटे से ये लोग यहाँ पे खड़े हैं कि इन्हें सिम कार्ड मिल जाए। बहुत सारे लोग जो मारियोपोल जैसे जगहों से भाग के आ रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन की तरफ जा रहे हो चाहे रूस की तरफ, काफी लोग यहाँ डोनेस्क की तरफ भी आ रहे हैं, जो प्रो रशिया है या प्रो रशियन स्पीकिंग है वो जो इस तरफ आ रहे हैं उनके पास सिम कार्ड नहीं है, तो उनके लिए भी जरूरत है सिम कार्ड की। यहाँ पे बहुत लोग अपने फैमिली मेंबर्स के लिए खरीद रहे हैं जो भाग के आ रहे हैं, रिलेटिव्स के लिए खरीद रहे हैं, कुछ लोग अपने माँ बाप से अभी भी कनेक्टेड नहीं है उनके लिए खरीद रहे हैं, तो सिम कार्ड की काफी कमी है। एक वॉर में सबसे ज्यादा जो हमने देखा है प्रॉब्लम कनेक्टिविटी का है, दुनिया से कनेक्शन टूट गया है, अपने लोगों से कनेक्शन टूट गया है, और इसीलिए जब भी यहाँ पे सिम कार्ड आते हैं लोग टूट पड़ते हैं। कैमरा पर्सन सत्य राउत्र के साथ फीनिक्स स्टोर के बाहर गीता मोहन आज तक।